हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मास्टर एक्स प्रो में। और जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने सभी पबजी प्लेयर की नींद उड़ा दी, यानी कि होश उड़ा दिए, और खास करके उन पबजी प्लेयर की जिन्होंने इस सीजन रॉयल पास लिया था। तो कल के डेट में बैन लिस्ट आ चुकी है जिसमें कि पबजी भी इंक्लूड है 118 एप्लीकेशन के साथ। तो काफ़ी क्यूट क्यूट सवाल पूछे गए, उन क्यूट क्यूट सवालों का क्यूट क्यूट आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो गाइस, यहाँ पर पबजी बैन हो रहा है, और ऐसे एक सवाल पूछा गया कि अगर पबजी बैन हुआ है तो अब तक क्यों नहीं हुआ, यानी कि कन्फर्म तो हो गया है तो बैन क्यों नहीं हुआ अभी तक, और कितना टाइम लगेगा बैन होने में। तो गाइस, आपको बता दूँ, जब टिकटॉक बैन हुआ था ना, तो कन्फर्म होने के बाद 4 दिन और लगे थे बैन होने में। तो ऐसे ही पबजी के साथ हो सकता है, यानी कि 3-4 दिन लग जाएगी बैन होने में। अब एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पबजी की जो 118 लिस्ट है उसमें कोरिया वर्जन का कहीं भी नाम नहीं है, तो क्या कोरिया वर्जन बैन नहीं हो रहा है? तो ये तो मैं भी कन्फर्म नहीं बता सकता, 50-50 चांस है, क्योंकि ये देखो जब किसी चीज़ को बैन किया जाता है ना, वो नेटवर्क के थ्रू बैन किया जाता है, यानी कि नेटवर्क में एक एंटी चेट बैन होता है जो कि उसको प्रोवाइड नहीं करने देता डाटा को, यानी कि डाटा रिसीव रोक देता है। उनको पता चला था कि आप पबजी रन कर रहे हो या फिर बैन एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो वैसे में क्या होता है कि वो जो डाटा रिसीव होता है, हमारे जो सर्विस होती है सिम की, एयरटेल हो वोडा हो, वो डाटा सेंड करना रोक देता है, तो ऐसे में वो ऐप नहीं चलती है। तो ऐसे में अगर वो डिपेंड करता है आपके सिम नेटवर्क पे, अगर सिम नेटवर्क में 10 सेंट को देने से मना किया है तो आपका कोरियन वर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इंक्लूडेड चुनिंदा ऐप को रख के किया गया है, यानी कि पबजी, पबजी लाइट, पबजी अरीना, इनको इंक्लूड किया गया है तो कोरियन चलेगा, तो 50-50 चांस है ना, ठीक है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पबजी हम चला सकते अगर बैन हो जाता है, तो हाँ बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है ना, तो कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो इसको फॉलो करो गाइस। और हाँ, अगर आप कुछ यादें इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप M4 की ग्लेशियर की स्किन के कैप्चर लेना चाहते हो, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप VPN यूज़ करके अपनी पबजी मोबाइल को चला सकते हो। अब एक ट्रिक और आ रही है जो कि बिल्कुल टोटली फेक है, क्या बताया जाएगा उसमें कि आप पबजी मोबाइल की सेटिंग में जाके अपनी कंट्री चेंज कर लो, ऐसे में आपके पबजी बैन नहीं होगा, यानी कि चलता रहेगा बैन होने के बाद भी, तो बिल्कुल टोटली फेक है, क्योंकि आपकी नेटवर्क के थ्रू बैन किया जाएगा, ना कि कंट्री के चेंज करने कुछ नहीं होगा भाई, मतलब टोटली बैन है। ऐसे ये ट्रिक मत यूज करना, क्योंकि ये ट्रिक जो है वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आपको मतलब कि 120 दिन का या 60 दिन का टाइम लग जाएगा। अब काफ़ी लोग ये भी पूछेगा अगर बैन हो जाता तो क्या पबजी वापस आएगा? बिल्कुल आएगा, 1 हफ्ते में आएगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं प्रूफ लेके आया हूँ, आप देखो डिस्कॉर्ड जो पबजी का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड है, उसमें उनके जो CEO उन्होंने अलग से अपडेट दिया कि पबजी वापस आएगा 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और साथ में एक ट्रेलर का स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, वो ट्रेलर का मैं आपको लास्ट में दिखा दूँ वीडियो के ट्रेलर में। देखो यहाँ पर Tencent को हटा के मेट्रो कंपनी को सौंप दिया गया है पार्टनर, ठीक है। तो ऐसे में Tencent कंपनी की वजह से बैन हो रहा था, अब जब Tencent कंपनी को ही निकाल दिया जाएगा तो पबजी वापस आ जाएगा, तो कंफर्म हो गया ना कि पबजी वापस आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, और आपका रॉयल पास कोई खराब नहीं गया, आपके अकाउंट में रहेगा, ठीक है। और बहुत से लोग तो डर के मारे रॉयल पास का स्पिन कर रहे हैं, यार मत करो यार, वापस आ जाएगा पबजी, टेंशन मत लो। और ट्रेलर देख लो आप, तो जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि लास्ट में लोगो जो था मेट्रो का था, वो ये बिल्कुल टोटली ट्रू ट्रेलर था, कोई आपको लगे कि ये नकली ट्रेलर है, मतलब फैन मेड के लिए बनाया, ग्लासे के लिए बनाया हो, ये बिल्कुल रियल है। अगर आपको देखना है रियल, तो पबजी की ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उसकी 8 अगस्त की पोस्ट को देखो, उसमें ये ट्रेलर होगा, आपको मिल जाएगा, ये ऑफिशियल ट्रेलर है ये। लेकिन इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि अभी बातचीत चले, कॉलैब चल रहा है इस कंपनी के साथ कि क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे, Tencent की जगह लोगे, तो उनकी अलग सी डिमांड होगी, तो अगर वो पबजी एक्सेप्ट करता है तो दोनों एक हो जाएगा। अगर पबजी कुछ ज़्यादा ही बड़ी डिमांड हुई तो कुछ नहीं कर, लेकिन अब तो पबजी को कमाना है, क्योंकि ज़्यादा अर्निंग इंडिया से ही होती है पबजी की, तो ऐसे में डिमांड मांगनी पड़ेगी, तो ऐसे में पबजी अनबैन हो जाएगा, तो
खुशी बनाओ कि PUBG अनबैन हो जाएगा। और काफ़ी लोगों ने COD डाउनलोड कर लिया, तो मैंने कल मैंने भी डाउनलोड किया भाई, मेरा लो डिवाइस है और मैंने खेला COD भाई। सर मैं थोड़ा मैं घूम रहा है, मतलब क्या है, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो थोड़ा सोच सोच के कर रहा कि कैसे मार रहा है कैसे नहीं।